ख्वाहिश भला किस इंसान के दिल में नहीं है, लेकिन भारी खर्च और व्यस्तता के चलते बहुत से लोगों का ये सपना अधूरा ही रह जाता है। हालांकि इस मामले में थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग की जाए तो फॉरेन टूर का ख्वाब कम पैसों में भी पूरा किया जा सकता है। ऐसे कई देश हैं जिनकी यात्रा लगभग 1 लाख रुपए में पूरी की जा सकती है। इसमें फ्लाइट से लेकर खाने और रहने का खर्च भी शामिल है। नेपाल, हिमालय की ऊंची चोटियां, आकर्षक मठ और नदियां नेपाल को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। अगर आप करीब 1 महीने पहले नेपाल जाने की फ्लाइट बुक करते हैं तो इसका राउंड टिकट करीब 11,500 रुपए में मिल जाता है। नेपाल की सीमा भारत से लगती है, इसलिए आप सड़क मार्ग से भी वहां जा सकते हैं। नेपाल में एक रात ठहरने के लिए आपको 300 से 400 रुपए में आसानी से कमरा भी मिल जाएगा। नागरकोट, बख्तारपुर, काठमांडू, पोखरा का पुराना बाजार और सेती नदी यहाँ के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यूएई, टेक्नोलॉजी फ्रीक और खरीदारों के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात एक लाजवाब डेस्टिनेशन है। भारत से यूएई घूमकर आने का फ्लाइट का खर्चा करीब 15 से 16,000 रुपए में निपट सकता है। हालांकि फ्लाइट टिकट का खर्च आपके ट्रेवल टाइम पर भी निर्भर करेगा। यहाँ होटल में एक रात ठहरने का किराया करीब 2 से 3,000 रुपए होगा। यहाँ आप दुबई मरीना बीच, बुर्ज खलीफा जैसी शानदार जगहों पर घूम सकेंगे। मलेशिया, फिरोजी पानी, समुद्री तटों की खूबसूरती और शांत वातावरण के बीच सुकून के कुछ पल बिताने वालों के लिए मलेशिया शानदार डेस्टिनेशन है। भारत से मलेशिया का एक एयर राउंड ट्रिप लगभग 23,000 रुपए का टिकट पड़ेगा। हालांकि इसकी बुकिंग आपको करीब 3 महीने पहले करनी होगी। रहने के लिए आपको यहाँ बड़े आराम से 500 से 600 रुपए में गेस्ट हाउस या आपको रूम्स मिल जाएंगे। कुआलालंपुर, बैंकॉक और रेडांग आइलैंड यहाँ घूमने लायक जगह है। श्रीलंका, समुद्र के पानी में पैर डुबोकर सी फूड का जायका लेने में दिलचस्पी है तो श्रीलंका से बेहतर जगह भला क्या होगी। भारत से श्रीलंका का टूर भी करीब 1 लाख रुपए में पूरा हो सकता है। हनीमून पर जाने वालों के लिए भी यह एक बेहतरीन जगह है। भारत से श्रीलंका घूमकर आने का फ्लाइट टिकट करीब 23,000 का होगा। यहाँ ठहरने के लिए 600 से 700 रुपए में बड़ी आसानी से आपको डोरमेट्रीज रूम मिल जाएंगे। भूटान, भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती पूरी दुनिया के टूरिस्ट को आकर्षित करती है। दिल्ली से भूटान का राउंड ट्रिप एयर टिकट बड़े आराम से 10,000 में मिल जाएगा। यहाँ रुकने के लिए भी आपको 500 से 700 रुपए में गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। पारो और थिम्पू वैली, टाकिन जू और फोक हेरिटेज म्यूजियम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। थाईलैंड, पर्वतों के आकर्षण, नजारे, समुद्री तट और पारंपरिक खाने के लिए थाईलैंड दुनिया भर में मशहूर है। दिल्ली से थाईलैंड आने जाने का एयर टिकट करीब 16,000 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ के गेस्ट हाउस, बजट होटल या हॉस्टल या डोरमेट्रीज रूम, ठहरने का एक रात का किराया करीब 600 से 500 रुपए आपको पड़ेगा। पटाया, बैंकॉक, कोरल आइलैंड, चियांग माई जैसी जगह यहाँ घूमने के लिए सबसे फेमस जगह है।